नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे एमआईए। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम होने वाला है जो कि है 1 अक्टूबर को, तो मैंने ये जो मैं आप लोग के बीच लाया हूँ क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और सारे बुक का जो कि है क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे टॉपिक का। तो आप लोग बने रहिए, क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने वाले मैं बता दूँ आप सभी को। जो कि है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपका जो कि यहाँ से आपका जो कि है बहुत सारे आपका हेल्प होने वाला है। इसे देखा जाए तो आपका बहुत से स्कूल में एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग का अगर स्कूल में एग्जाम है तो आप लोग क्या करें, इस सेशन को जरूर शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे नए हैं मैं बता दूँ, तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग का ये मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको वहाँ से आपको ये जो मैं क्लास आप देख पा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तब आपको इस एप्लीकेशन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो फिर आप पहले गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए बंधन पाठशाला, आपको सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको यहाँ से जो क्लास जो मैं अभी ले रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको सोल्यूशन के साथ में आपका जो मिल जाएगा, ठीक है, जाकर उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा। ओके, अगर आपको मैं समझाने में सक्षम हो पाऊंगा तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा और बाद में हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी नहीं, क्या कीजिएगा, वीडियो के अंत में एक बार आप तो पहले अटेंड कीजिए। हमें उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास है कि मैं आपको जो किया है सेटिस्फाई अगर कर पाऊंगा तो आप हमें लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाना है। ओके, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का एक पहला क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ का नया पैटर्न के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए, ये जो आपका है क्वेश्चन कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो बस इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको जो कि आपका 140 है जो कि प्राइम फैक्टर है आपको तोड़ना है। इसमें जो कि क्या करना है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है, निरब में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप देखना है कि जो एलसीएम लेने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रहा है आपका, वो आपका जो कि आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पे दिया गया 140 दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे दिया गया था 140, तो सबसे पहले हम लोग 2 से करते हैं, ठीक है, फिर आपका जो कि है आपका यहाँ पे ये हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हम लोग आया 2 × 2 5 × 7, देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 × 2 5 × 7, आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। ओके, और आप लोग भी थोड़ा जो कि अगर आप लोग से बढ़ रहा है तो आप लोग भी बनाइए और बाद में हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो कि आपका जो कि है क्या आपका जो कि है स्कोर रहा, ठीक है। तो चलिएगा, तो यहाँ तक हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे अभाज्य गुणनखंड तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस एक ही नियम है, इसका एलसीएम लेना है और जाको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई कर लेना है कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ध्यान में रखिएगा कि आपका जो कि ए वाला दे देगा ए, ठीक है, ऐसे करके आपका यहाँ पे क्वेश्चन के बदले में, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपका जो पूछने का तरीका क्या क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपको इस तरह पूछ सकता है कि बताइए 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा, या तो फिर आपका जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जो कि बनाएगा आपका जो किया कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड कर देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि बताइए ये निम्न में से कौन सी संख्या का ये अभाज्य गुणनखंड है, उसके आपका ऑप्शन में जो कि दिया रहेगा ए में जैसे कि 140 दिया रहेगा, ठीक है, बी में आपका 150 दिया रहेगा, सी में आपका दिया रहेगा जो कि है 130 दिया रहेगा, जो कि डी में आपका जो कि 156 दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको जो कि इसको गुणा कर लेना है, जो संख्या मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा टोटल आपका जो कि 140 के बराबर होगा। कोई कि नहीं बताओ ऑप्शन नंबर किसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, बस जो लेवल है मैं बता दूं फिर से एक बार, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड का एक अपना लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, और यहां तक समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ये दोनों टाइप में एक क्वेश्चन का जरूर रहेगा, या तो बोलेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड, या तो फिर अभाज्य गुणनखंड कर देगा, बताइए कि किसका ये अभाज्य गुणनखंड होता है। ओके, सेटिस्फाई यहां तक आप हो सकते हो, जहां तक मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड कह रहा है कि ये जो संख्या है आपका, ठीक है, ठीक, ये संख्या जो कि आपका है करेगी 5√3 किस प्रकार की संख्या होती है, आपका जो पूछ रहा है कि संख्या कौन सा होता है। तो आपका जो कि है आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, देखिए आपका 5 तो परिमेय है लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय। तो आपका जब आपका जो कि है परिमेय और अपरिमेय जब गुना होता है तो क्या होता है आपका जो कि है, ये आपका जो कि अपरिमेय संख्या बन जाता है, क्या होता है ये अपरिमेय संख्या, ये भी आपका बन जाता है, ठीक है ना, क्या होगा ये अपरिमेय संख्या। देखिए किसमें ऑप्शन में आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर जो कि सी पे दिया गया। ओके, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो कि है थर्ड की ओर, आपका जो कि दिया गया y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद दिया गया, बहुपद शून्यांकों की जो कि है संख्या क्या है। ओके,
इसका शून्यांकों की संख्या क्या है यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, वो बताएगा आपको, बताना है कि इसका जो कि शून्यांक की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने का बस एक ही तरीका है, ओके। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये तीसरी रेखा है, ठीक है। ये तीसरी रेखा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो तीसरी रेखा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो तीसरी रेखा है कि जो हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, क्या है ये एक्स अक्ष को कितनी बार ये प्रतिच्छेद करे, यही हमारा हम लोग का आंसर होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्या है, हमारा निर्देशांक है, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और इसका तीसरी आप जो तीसरी रेखा देख रहे हैं यही हमारा शून्यांक की संख्या बतलाती है, ओके। तो हमारा देखिए इसमें कौन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करनी चाहिए, ठीक है, टच नहीं, प्रतिच्छेद करना चाहिए, ठीक है। तो कितना, एक दो तीन, आपका ऑप्शन नंबर, इसका इसका आंसर आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो कि थ्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड पे दिया गया, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखिए यहाँ पे फोर नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, इसका शून्यंकों का योग, यानी कि आपको योग निकालना पड़ा अल्फा प्लस बीटा। आप लोग बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो क्या होता है, बी बाय ए होता है, होता है कि नहीं होता है इसका फॉर्मूला। और एक होता है शून्यंकों का जो कि क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हमें योग पूछा गया है, तो योग मतलब कि देखिए माइनस बी बाय ए, तब बताइए माइनस हो गया फॉर्मूला का बी, तो बी आपको यहाँ से देखना है, इसका मान यानी ये जो है आपका एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुना होता है इसको हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे, वन हो गया है, और एक्स के साथ में जो भी संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बराबर मानते हैं, और जो कॉन्स्टेंट पद है इसको हम लोग सी बोलते हैं, तो सी बराबर आपका दस दिया गया। तो देखिए आपका बी कितना है, बी यहाँ पे आपका सेवन दिया गया, सेवन लिखिए, और जबकि ए का मान कितना आपका वन है, वन, तो बराबर कितना हो गया आपका, माइनस सेवन हो गया, ओके। तो देखिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया, ओके, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। और इसी क्वेश्चन आपको पूछता कि यहाँ पे आपका जो किया है, इस पे क्या आपका सम ऑफ जीरो पूछा गया, ठीक है, आपको इसमें पूछता कि गुणनफल क्या, इसमें पूछता गुणनफल, तो गुणनफल के लिए आपको जो कि इसमें जो कि आपको फॉर्मूला जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, जो कि आपने पढ़ा होगा सी बाय ए, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। तब देखिए सी यहाँ पे बराबर है ये, ठीक है ना, देखिए सी, सी का मान कितना आपका दस है, दस लिखते हैं, और जो बटे में एक ए, ए का मान वन है, तो वन लिख दीजिए, और जो किया ऑप्शन नंबर आपका दस हो जाता है। देखिए इसका अगर पूछता गुणनफल तो हमारा आंसर आपका जो कितना हो जाता है इसमें, आपका हम लोग का इसमें दस हो जाता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो किया हमें क्वेश्चन पूछा गया था योग, ध्यान में रखिएगा, कभी योग पूछ देता है कभी इसका गुणनफल पूछ देता है। तो अगर आपका एग्जाम में अगर पूछे, अगर कोई भी यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, अगर इसका पूछे योग तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और अगर पूछे गुणनफल तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी बाय ए होता था, तो यहाँ पे बस यहाँ से इसका मान को निकाल लेना है, पुट करना, आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये योग पूछेगा या तो फिर आप गुणनफल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि क्वेश्चन नंबर जो किया फाइव की ओर। क्वेश्चन फाइव करा देखिए, करा कि निम्नलिखित निकाय दिया गया, ठीक है, आपका आने की आपका ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का है, ठीक है, दो चर यहाँ पे दिया गया है। करा कि इसका अद्वितीय हल होगा, कब होता है अद्वितीय हल, आप हमें बता सकते हो, आपके सामने ग्राफ है जो कि आपका बुक में जो कि एक आपका जो कि यहाँ पे ग्राफ दिया गया, ठीक है, यहाँ पे अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं होता है, अनेक हल होता है, वहाँ पे आपने जो कि पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग एक उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा पूरा डिटेल से, और आप लोग जो कि उसको देख लीजिएगा, कभी आपके यहाँ पे गलत नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, ओके। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो कि ये क्वेश्चन करा कि अद्वितीय हल कब होता है, यानी कि अद्वितीय हल आपका जो कि किस कंडीशन में होता है, ए वन बाय ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बाय बी टू। देखिए कहाँ पर आपका है, कौन सा में है आपका ग्राफ, आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, ओके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बराबर होता है इसमें अनेक हल होता है, बराबर में अनेक हल, और एक कंडीशन आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे इसमें छूट गया है, ये बराबर नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं होता, ध्यान रखिए, इसका होता है अनेक हल, ठीक है, इसका अनेक हल होता है, इसका जो किया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता कि बताइए इसका अनेक हल होगा, कब होता है अनेक हल, तो आपका ये ग्राफ आपका ये वाला हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो आपका ये वाला आंसर होता, इसमें हम बोला था अद्वितीय हल या तो फिर एक हल, तो आपका ये वाला आंसर होगा, तो ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर, आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो है, यदि रेखीय समीकरण का एक युग्म संगत हो तो निरूपित रेखा क्या होगा, बोला एक युग्म संगत, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपका क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर इसमें दिया गया था, इसमें कह रहा है एक युग्म संगत होगा, तो आप बताइए इसमें कौन सा एक युग्म संगत है, आप बता सकते हो, इसी से आपका आंसर उसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए एक युग्म संगत है तो कब होता है, आप ही बताइए, एक इसमें देखिए, इसमें तो दो युग्म संगत है, इसमें
तीनों युग्म संगत है इसमें, इसमें सिर्व शीर्ष आपका जो कि एक युग्म संगत है। कब होता है इसका जो कि है, इसमें इसका जो कि एक युग्म संगत होता है क्या होता है, इसमें रेखा कैसी होती है, समांतर या फिर प्रतिच्छेदी या फिर आपका जो कि है आपका संपाती, आप ही बता सकते हो। आइए मैं इसी में आपको बता दूं, जो इसका जो कि इसका ग्राफ जो कि होता है इस तरह से प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और इसका इसका जो कि है इसका जो ग्राफ जो बनता है आपका जो कि है आपका यहाँ पे जो कि है समांतर होती है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ जो बनता है आपका जो कि है आपका यहाँ पे दोनों लाइन आपका जो कि है एक ही लाइन में होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे होता है, ये समांतर होती है। ओके, ये समांतर होती है इसका, इसका प्रतिच्छेदी होती है, इसमें संगत होती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि अब बताइए कि इसमें जो कि है एक युग्म संगत, तब बताइए इसमें कौन सा एक युग्म संगत आपका इसमें, मतलब कि इसमें प्रतिच्छेदी है। ओके, ध्यान में रखिएगा क्या होगा इसमें प्रतिच्छेदी, तो ऑप्शन नंबर जो कि हमेशा क्या होती है प्रतिच्छेदी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपका यहां तक हमें उम्मीद ने पूरा विश्वास है कि आपको यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक मैंने अभी तक बताया है, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 74। समीकरण युग्म दिया गया आपका, एक समीकरण दिया गया, ठीक है, एक और दो का हल होगा इसमें, एक्स और वाई का मान आप जो कि इसे ज्ञात कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक जो कि है वर्गीकरण विधि, आपको इस बार तो हटा दिया गया, ठीक है, लेकिन आप इससे किसी विधि से निकाल सकते हो, तो फिर आप ऑप्शन से भी इसको जा सकते हो। आप देखिए तो पुट कीजिए, जिसका मान एक्स के मान ये पुट कर दीजिएगा तो अगर 5 आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो कि है बराबर हो जाएगा, फिर वाई का पुट कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, या तो आप लोग की मर्जी, या तो ऑप्शन से जाइए, या फिर जो आपने पढ़ा था कि एक्स माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1 हो गया। ओके, चलिए हम ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एक्स का मान यहाँ पर 2 पुट करेंगे, आप ही देखिए एक्स का मान 2 माइनस वाई का मान यदि माइनस करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का प्लस हो जाएगा 5, तो 2 2 4 प्लस 1 बराबर 5, मतलब कि 5 बराबर 5, मतलब आपका हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें सेटिस्फाई हो क्या, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे अगर सेटिस्फाई होगा तो हम लोग का जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का राइट हो जाएगा। देखिए एक्स का मान यहाँ पर 2 पुट किए थे, वाई का मान जो किया आपका जो कि 1 पुट किए थे, ठीक है, 4 3 6 प्लस 2 बराबर आपका जो कि यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 8 आ गया बराबर 4, जो कि आपका जो कि इसमें बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स का मान 2 पुट करेंगे, ठीक है, 2 पुट करने के बाद तो आपका यहाँ पे 5 आ गया, मतलब इसमें पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि 3, इसमें 3 पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 एक्स का मान 2 यहाँ पे है प्लस 2 गुना में आपका जो किया माइनस 3 बराबर आपका जो किया 4 है, ठीक है, ऑप्शन से जा रहे हैं हम, तो 3 6 माइनस 3 6 बराबर 4 आपका यहाँ पे 0 4, ये भी आपका बराबर नहीं आया, ठीक है, आपका ये भी आपका गलत हो गया, ठीक। अगर हम इसमें अगर 3 पुट करते हैं यहाँ पे ऑप्शन से जा रहे हैं, ठीक है, 2 3 0 बराबर 5 आपका 6, अब 6 आ जाएगा, ये भी आपका जो कि सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। इसमें देखते हैं आपका यहाँ पे 2 गुना 3 माइनस है यहाँ पे, फिर माइनस आपका वाई वाई के बदले में माइनस माइनस 1 बराबर 5 माइनस 6 प्लस 1 5 यहाँ पे माइनस 5 आपका जो कि ऑप्शन से आपका यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं इसको जो कि है समीकरण से निकालते हैं इसको, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से आते हैं, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2, इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, यानी y को कटा रहे हैं, यानी y 4 को कटाते हैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 कुछ नहीं किया यहाँ पे, उसको उतार देना है बराबर 4, देखो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 7x बराबर माइनस आपका जो कि 6 बराबर माइनस 6/7, यानी कि देखा जाए तो आपका जो कि है यहाँ पे आपका जो कि है x का मान तो नहीं आ रहा है, तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा,
तो आपका इसी में तो ऑप्शन सब जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें गलत लग रहा है ये। यहाँ पे माइनस अगर हो जाएगा यहाँ पे ये, तो 4 यहाँ पे माइनस होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, तो 1 बचेगा यहाँ पे आपका। यहाँ पर देखिए गुना करते मतलब इसी को करना है, 4x-2y बराबर 10, 3x-2y बराबर 4 आपका ये कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा आपका जो कि है x बराबर 6, तो x का मान जो कि है 6 बचा आपका। ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, ऑप्शन भी इसका गलत लग रहा है, ठीक है। का मान भी आपका जो कि है 6 किसी में नहीं है, 5 × 10 तो कटाया, 2 × 4x-2y, 5 × 10 3y4, x कैंसिल आउट। तो अनेक्स कौन ये आपका, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन भी इसमें गलत है, ठीक है। तो आइए इसको छोड़िए, ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा अच्छी तरह से। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, करें कि समीकरण निकाय दिया गया, ठीक है, 2x+y-6 और इतना दिया गया, तो अद्वितीय हल होंगे। के लिए k का मान क्या था, अद्वितीय हल अभी जो आपको मैंने बताया था, अद्वितीय हल कब होता है, जब k a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2। यही आपका था ना ऑप्शन, यही था। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 है, ठीक है, आपका ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। बस a1 इसमें देखना है, तो a1 आपका 2 हो जाएगा बटे में a2, तो कि आपका क्या हो जाएगा इसमें a2 आप यहाँ पे आपको जो कि 2 हो जाएगा, ठीक, बराबर नहीं है b1, b1 का मान इसमें 1 है और b2 का मान इसमें -k है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k = 2, तो आपका 2y बराबर नहीं है, ये k = -1 बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर के यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जो मैंने कहां से लिया आपका, जो अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया वहां से, ठीक है ना। ओके, इसको ध्यान में रखना आप लोग को। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो किया 9 की ओर। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, ओके, आपको चेक करना पड़ेगा द्विघात समीकरण क्या आपका इसका समीकरण होता है, ax2+bx+c = 0, ये आपका ये समीकरण है द्विघात समीकरण का, ठीक है, व्यापक, ये क्या व्यापक आपका ये रूप होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए, जिसमें आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं पहले, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा a² + 2ab + b² ओके बराबर है इसको 2x × 6x² अपने यहाँ पे 2x + 1 2x - 6 x² + 2x, इसको इस पर कर देते हैं 2x + 1 + 6 = 0 आपका 2x जब कैंसिल हो जाएगा आपका जो कि है 7 बराबर आ गया, देखिए अधिकतम पावर 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हमारा इसको सॉल्व किया तो अधिकतम पावर कितना 2 आ गया, यानी कि इसका जो पहचाने का तरीका द्विघात समीकरण का कि हमेशा जो कि है इस रूप में होना चाहिए, अधिकतम पावर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे इसमें अधिकतम पावर 2 आया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो कि 10 की ओर। 10 देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल प्रकृति बताना है आपको, मूल की प्रकृति बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। तो कैसे लोग पता चलता है मूल की प्रकृति, डी निकालते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो b देखिए, b क्या है मतलब इसमें है, यानी a = 2 है, b = -5 है और c = 3 दिया गया है। तो बी का मान आपका इसमें -5² ए का मान 2 और सी का मान आपका 3 दिया गया है, ठीक है। 25 हो जाएगा यहाँ पे 8 + 24 = 1 बचा, यानी डी का मान कितना आया, डी का मान जो कि है 0 से बड़ा, क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है। तो आप बताइए क्या होता है वास्तविक एवं क्या होता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है क्या होता है इसमें जो कि है वास्तविक एवं समान नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें असमान होता है, ठीक है, वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अगर ऑटोमेटिक आ जाए इसमें आपका जो कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसमें निकालने का द्विघात समीकरण का, एक होता है ना आपका जो कि है
माइनस वी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, ओके होता है। तो अगर आप इसमें डी का मान पुट करेंगे, जैसे वन हो गया, टू टू हो गया, अगर प्लस करेंगे माइनस, तो अलग अलग दोनों आएगा और समान ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 11 की ओर। यदि द्विघात समीकरण दिया गया, ठीक है, का मूल समान हो, यहाँ पे मूल मतलब समान होता है, डी बराबर इसमें जीरो दिया गया है, क्या दिया गया, डी बराबर इसमें जीरो दिया गया है, तो के का मान क्या होगा। ठीक है, बस वही लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में फोर, ए का मान दो है और सी का मान थ्री है, बराबर जीरो। ठीक है, के का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आठ अठिया चौबीस बराबर जीरो, के स्क्वायर बराबर चौबीस। तो के का मान कितना हो जाएगा आपका जो किया, रूट चौबीस, और के बराबर आपका जो किया आपका यहाँ पे छोचक चौबीस, तो यहाँ पर टू रूट सिक्स हो जाएगा। ओके, तो टू रूट सिक्स ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ओके, इसको आराम से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोला कि समांतर श्रेणी दिया गया, मतलब इसका जो कि दिया गया आपका जो कि है, इसमें आपको सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि आपको डी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डी बोल रहा है, तो डी निकाल के फॉर्मूला क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या देगा दूसरा पद यहाँ पे, मतलब ए टू माइनस में ए वन, देखिए ए टू कितना देगा, ए टू आपका वन है, माइनस ए वन आपका थ्री दिया गया, तो बराबर कितना हो जाएगा, पहले देखिए माइनस टू। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका पहला पद क्या, पहला पद आपका जो किया ए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो कि अब क्वेश्चन नंबर जो कि है 13 की ओर, कह रहा है कि इसका गर्मा पद ज्ञात करना पड़ेगा, समाकलन समांतर श्रेणी आपका दिया गया है, इसका जो गर्मा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो कि है क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, ए आपका हो गया माइनस थ्री, और डी क्या हो गया यहाँ पे माइनस वन बाई टू माइनस माइनस थ्री, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस वन प्लस तीन दुना छः, फाइव बाई टू, मतलब कि डी का मान कितना गया, फाइव बाई टू। हमें इसमें गर्मा पद ज्ञात करना पड़ेगा, क्या गर्मा पद क्या होता है, ए प्लस दस डी, निकालने का तरीका है, ए का मान कितना, अभी ए का मान आपका माइनस थ्री प्लस दस, डी का मान फाइव बाई टू। ओके, तो आपका ये कट जाएगा पाँच बार में, तो माइनस थ्री बचे पच्चीस, आपका जो कि यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, आपका जो कि बाईस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ओके, आप आराम से इसको सॉल्व करना था, मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले जो किया ए का मान निकाले यहाँ से, डी का मान निकाल लिए, और जो कि इसमें गर्मा पद ए प्लस दस डी, मैं जितना पद बोलेगा उसको जो कि है ए प्लस करके उससे एक कम करके उसको डी से गुना किया जाता है। ठीक है, निकालने का तरीका। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल 14 की ओर। देखिए, अरे सभी वृत्त क्या होती है, जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप एक जो कि मैंने यहाँ पे वृत्त बनाया, ठीक है, सभी वृत्त आप लोग के सामने कोई वृत्त है, ठीक है, देखिए क्या रहा कि वृत्त है, अरे सभी वृत्त क्या होती है, देखिए सभी वृत्त क्या होता है जो कि है हमेशा क्या होती है, समरूप होता है, क्या होता है, हमेशा समरूप होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, समरूप। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वृत्त कैसा दिख रहा है, एक ही साइज का, बस इसका साइज का छोटा बड़ा, लेकिन वृत्त में जो भी इसका क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल भी होगा फॉर्मूला, इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका भी होगा, परिधि इसका भी होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा वो भी इसका होगा, बस साइज में क्या छोटा है, लेकिन इसका क्या होता है, क्या हमेशा समरूप होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होती है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि देखिए आकृति दिया गया, आकृति में आपका बोल रहा है कि डी ई समांतर है बी सी, तो इसी का मान ज्ञात कर, आपके सामने जो किया दिया गया है चित्र, इसमें इसका मान क्या होगा, नहीं कह रहा कि ये जो आपका डी ई क्या है, समांतर किसका, आपका बी सी का, तो इसी जो कि आपका इसी दिया गया है, इसी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो थर्ड परिमेय इसको तोड़ेंगे, तो ए डी बटे में आपका क्या हो जाएगा, डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ठीक है, तो देखिए ए डी का मान दिया गया है आपका 1.5, और बी डी का मान आपका 3, बराबर ए ई का मान 1 दिया गया है, और जो कि ई सी का मान आपका जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पे 1 आएगा 0,
बराबर 1 बाय ईसी, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 15, ये कट जाएगा, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, आपको इस तरह से कुछ सॉल्व करना था। इसमें थेल्स फ्रेम हमने लगा दिया, ठीक है, आपको भी इसको लगाना था। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 16 की ओर। कह रहा है कि त्रिभुज दिया गया एबीसी में ए बी का मान दिया गया, ठीक है, और ए सी का और बी सी का भी मान दिया गया, तो कौन बी क्या होगा। जैसे एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिए, क्या ए बी सी दिया गया है, ठीक है, ए बी का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी का मान दिया 25 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आपका ये जो बी है, बी का कितना यानी कि डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चले हम लोग इसको जो कि पाइथागोरस थ्योरम से तोड़ते हैं, यानी आपको पता है जो कर्ण होता है, तो कर्ण किसका, ये दोनों का वर्ग स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं इसको, जो कर्ण यहाँ यानी कि पाइथागोरस परिमेय है, एसी एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, ही हुआ ना, कहता है थेल्स परिमेय। तो देखिए एसी क्या है, एसी आपका 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर एबी का मान 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान आपका जो 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर, तो इसका होता है 625, ठीक है, इसका जो 576 प्लस में 7 का 49 होता है, ठीक है, ये 625 आ गया बराबर इसका भी, ये भी आपका 625 के बराबर आ गया, यानी कि हमें देखा जाए तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि थेल्स परिमेय सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो कि थेल्स परिमेय क्या कहता है, जो ये जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होती है, इसका सामने वाला जो एंगल कितना बनता है, ये सामने वाला एंगल जो किया 90 डिग्री बनाता है कौन, तो इसीलिए हमारा जो कि इसका क्या हो जाएगा, ये बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। तो आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आइए, बिंदु दिया गया इसका इसका जो कि बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, कोई दो बिंदु है, ठीक है ना, माइनस फाइव और सेवन दिया गया, और -1 जो कि है 3 दिया गया, इसका जो कि है निकालना है आपको जो कि है बीच की दूरी, तो दूरी इसको लगा दीजिए, क्या होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, x2 आपका जो कि -1 है, तो माइनस आपका x1 आपका कितना है जो कि माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y2 आपका जो कि 3 है, फिर माइनस आपको यहाँ पे y1 दिया गया, ठीक, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 × 16 प्लस 16 × 32, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 16 × 2, ये आपका राइट आंसर, 4√2 ऑप्शन नंबर जो कि है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से सोल्व करना था। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है कि बिंदु दिया गया है तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का जो कि है निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल, जैसे कि आपका एक दो बिंदु दिया गया है, ठीक है, 2, 4, ओके, और आपका 6 जो कि 8 दिया गया है, इसका मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना पड़ेगा, क्या इसका मध्य बिंदु, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो मध्य बिंदु का निकलने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि x बराबर क्या होता है, x बराबर जो कि है x1 + x2 / 2 और एक जो कि y बराबर होता है, तो y बराबर क्या होता है y1 + y2 / 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो कि x का जो कि क्या होगा, इसमें जो कि ये वाला पॉइंट हम लोग का x1 कहलाता है, ये y1 x2 y2, तो हमें x1 के बदले में 2 पुट कर देना है प्लस y2 के बदले में 6 पुट कर देना है, 2 से क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है, फिर इसी तरह से y का मान, तो y बराबर क्या है y1 का आपका 4 प्लस में y2 का मान 8 / 2, तो यहाँ पे 8 / 2 12 / 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, नहीं 4 और 6 कहाँ पे, देखिए 4 और 6 ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था, कोई काफी इजी है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि अब क्वेश्चन नंबर 19 करा कि यदि टेन ए का मान दिया गया है, ठीक है, तो कोसेक ए का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे टेन का मान दिया गया है, टेन ए बराबर दिया गया 4/3 दिया गया है, तो आप बताइए टेन जो कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बता सकते हो पी बाय क्या होता है, बी होता है, ठीक है, क्या होता है पी बाय बी, यानी कि आपका जो कि है लंब बटे जो कि आधार होता है, ठीक है, जिससे समकोण त्रिभुज बनाए,
ठीक है, ए बी सी त्रिकोणमिति का है, एंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा पी, पी क्या हो जाएगा इसके लिए, पी हमारा जो किया है 4 हो जाएगा और बेस हमारा 3 हो जाएगा, तो हमें जो किया है आप जो कि हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, उन्हें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि ए सी, लगाइए ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर जो कि है ए बी का स्क्वायर जो कि है प्लस में जो कि आपका बी सी का स्क्वायर, सही होता है ना, तो ए बी का मान 3 दिया गया है प्लस में बी सी का मान 4 दिया गया है, कितना हो जाएगा आपका जो कि यहाँ पे 9 प्लस में 16 बराबर रूट अंडर जो कि है 25, 25 का वर्गमूल 5, इसका मान निकल के आ गया 5 आ गया, ठीक है, ए सी का मान 5 आ गया, तो हमें बताइए कोसेक, हमें कोसेक का मान ज्ञात करना था, कोसेक तो बताइए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपका जो कि है कर्ण बटे में जो कि क्या होता है, कर्ण बटे में आपका जो कि लम होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो आप जो कि है एच बाय जो कि है पी, सही होता है ना, देखिए तो एच का मान निकल कितना आ गया, एच का मान 5 आ गया और लम पी का मान कितना, देखिए पी का मान 4 है, 4, तो ऑप्शन नंबर जो कि है कहाँ पे 5/4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना था, काफी इजी था जो कि हमें जो किया है किसमें पाइथागोरस की मदद से इसको सॉल्व किया, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो किया हम लोग अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, आइए कह रहा कि यदि रूट दिया गया, ठीक है, इसी तरह इसको भी तोड़ना है आप लोग को, रूट 3 sec sec थीटा बराबर 2 दिया गया है, ओके, तो sec थीटा बराबर 2/√3, ओके sec थीटा इसमें दिया गया है, ठीक है, sec थीटा 2/√3, तो आप बताइए जो sec है sec किसका उल्टा होता है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसका मान क्या होता है, ऐसे आपका जो कि साइन का उल्टा होता है, अगर आपने इसको याद नहीं किया है तो साइन का उल्टा होता है cosec, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है जो कि आपका sec, और जो कि है टेन का उल्टा होता है आपका जो कि cot, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि जो कि sec इतना मान यहाँ पे आया गया, ठीक है, तो आप बताइए, तो अगर आपने इसका मान अगर याद नहीं किया है तो आपने तो cos का मान तो याद क्या होगा, मान तो याद क्या होगा ना cos का, तो आप हमें बताइए ये जो है ये किसका कितना डिग्री का मान होता है, आप हम बता सकते हो sec जो कि ये जो sec 2/√3, तो हमें बताइए जो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का जो कि मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा cos जो कि sec का उल्टा, तो क्या होगा इसमें 2/√3 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा, यानी इसको इतना लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे sec कितना डिग्री जो कि है इसमें 30 डिग्री, तो ये कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, अरे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कोई एक मीनार है, ठीक है, क्या एक मीनार ए बी सी है, इसका करेक्ट उन्नयन कोण 30, मतलब कि उन्नयन मतलब ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई है आपको इसका एच आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका जो दूरी कितना दिया गया आपका जो कि इसका 30 दिया गया है, 30 मीटर है इसकी दूरी यहाँ पे दिया गया ना, मीनार के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितना है 30 मीटर है, ठीक, तो हमें जो कि इसका जो कि ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे जो कि एक आप लोग जो कि इसको एक मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे इसको ध्यान में रखना, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, देखिए आपके सामने एंगल तो बनता होगा, ए बी सी इसको समझना है, ठीक है, ए बी सी देखिए आपके सामने 90 डिग्री और एक कोण बनता होगा आपका जो कि है 30, अगर 30 बनेगा 30 डिग्री तो आपने जो किसका कितना बनता होगा 60, आपने बनाया होगा 9.1 में, ठीक है, और एक आपका बनता होगा 45 डिग्री, एंगल बनता होगा ना 45 डिग्री, आप ही बोलिए 45 डिग्री, ठीक है ना, बनता होगा 45 डिग्री, इतना बनता ही है, देखिए आज के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 30 डिग्री के सामने वाली ये जो 30 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा का मान हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है, और 60 के सामने भुजा हमेशा क्या होती है √3 होती है, और ये आपका जो एसी है 2 होता है, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा 2 होता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखिए 45 है तो 45 के सामने वाली भुजा हमेशा जो कि 1 होता है,
इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यार जो एसी इसमें जो कि कितना बनता है आपका, 2 निकलता है। ठीक, तो इसका जो कि मैं बता दूं, हमेशा जो कि है एक शॉर्टकट ट्रिक की मदद से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो इसका जो आपने जो बनाया थ्योरी की मदद से आप उसको बना ही सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ एक तरीका कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए ये जो है, यानी कि समझ नहीं, आप लोग इसको समझिए। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 1 रखना है। ठीक है, और 60 डिग्री के सामने सामने वाली भुजा हमेशा √3 रखना है, और 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा इसमें जो कि है 2 इसको रखा जाता है। उसी प्रकार से अगर 45 डिग्री एंगल बनता है तो 45 सामने वाली वाली 1, और जो कि ये भी 45 1, तो हमेशा 90 के सामने सामने वाली भुजा हमेशा √2 होता है। क्योंकि देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें साइन कॉस टेन हमें नहीं लगाना कि साइन थीटा की कौन सा लगने वाला है डिग्री का मान। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है, अभी आपने पढ़ा ए बी सी। अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री जो बनता है इसके सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, रूट किस कंडीशन, 30 के कंडीशन में। यानी कि इसमें देखा जाए ट्रिक में जो कि ना और नमन देखना है ना उन्यून कोण देखना है। ठीक है, बस और बस सिर्फ आपको ये ट्रिक को ध्यान में रखना है। यानी कि 30 यहाँ पे बन रहा है, एक 30 यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो कि एक 60 बनेगा। ठीक ना, तो देखिए 30 में क्या था कंडीशन, 30 का कंडीशन आपका जो कि था, 30 में जाकर हमेशा क्या था इसका, 2 था ना इसका 2। हाँ, यहाँ पे एक 2 होगा। ठीक है, ये 2 रूट नहीं होगा, ये जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 था, और ये 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1, इसको √60 के सामने सामने वाली भुजा हमेशा के जो कि क्या बोले थे, √3 रखने के लिए बोले थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पाद बिंदु, ठीक है, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से कितना इसका मान, इसका जो दिया गया है, इसका दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। ओके, इसका हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन में 30 दिया गया, लेकिन हमारा हम लोग जो ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं है, हमने जो आपको बोला था मानने के लिए कितना √3 मानना है। देखिए इसका कितना है, तो ये 30 दिया गया, इसको क्या करें, एक का मान निकालते हैं। अगर हम ये √3 का मान दिया गया तो एक का मान कितना हो जाएगा, जो कि √30 को जो कि √3 से डिवाइड कर देंगे तो एक का मान निकल के आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आप अगर ये, तो यहाँ पे इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 30√3/3 आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे आपका जो कि है, आपको यहाँ पे 10√3 हो गया। यानी किसका मान निकला, ये इसका मान 10√3। तो अगर यहाँ पे एक इसको एक से इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, आप ही बताइए, जब एक को गुना करेंगे तो इसको एक गुना में 10√3 के बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 आपका जो कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया। देखिए मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने क्या क्या था कि 30 के सामने वाले भुजा हमेशा 1 को मानना है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा √3 मानना है, और 90 के सामने सामने वाली भुजा हमेशा 2 मानना है। ठीक है, जब मानने के बाद हमारे क्वेश्चन में दिया गया था जो मीनार था उसका पाद बिंदु कितना, 30 मीटर था। ठीक है, लेकिन हमारा जो मैंने आपको मानने के लिए बोला कि √3, ठीक है, तो √3 लेकिन हम आपको मानने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 30, तो हमें 30 देखो कितना √3 का मान 30 दिया गया, तो एक का मान कितना होगा, आप ही बताइए। तो एक से इसको क्या करें, मतलब कि √3 से इसको डिवाइड कर दिए, जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हमारा क्या निकल के आ गया, इसका मान, इसका मान निकल के आ गया 10√3। जब इसका मान 10√3 आया तो हमें जो किया इसका हाइट ज्ञात करना पड़ेगा, हाइट कितना है 1, तो एक से इसको गुना कर दिए तो जो कि हमारा कितना निकल आ गया, 10√3 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जो कि हर सवाल आपका बन जाएगा, ट्रिक आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो आप हमें बताइए क्या इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई क्या बराबर है। कोई एक जो कि ये समझ लीजिए इसका ये 1 है, तो ये भी आपका 1 है, ऊंचाई बोल रहा है कि 1 है, और इसका छाया भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि लंबाई, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या, उन्नयन कोण बस आपको पता है 1 कब होता है, जब यहाँ पे 45 डिग्री होता है, और यहाँ पे भी जब 45 डिग्री बनेगा तब उन्नयन बोलिए अनमन बोलिए आपका बद बराबर है, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए ट्रिक काम आया कि नहीं आया। ओके, इस तरह से जो किसको बनाना था, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की अस्पष्ट रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, कोई एक वृत्त है, ठीक है, एक एक लाइन आप खींच रहे हो, ठीक है, कोई एक वृत्त है, एक लाइन यहाँ पे कितना बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, आप ही बताइए, इधर से खींचोगे, इधर से खींचोगे, आप ही बताइए।
जैसे इधर से खींच रहे हैं एक कोई लाइन एक ब्रीथ पे, तो आपका जो की है कितना पे, आपका एक ही बिंदु पे प्रतिशत करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जनाब आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 करके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ केंद्र से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलाती है कि जाने वाली एक रेखा जो कि है ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना। आपका कोई एक वृत्त है, ओके, यहाँ पे कोई ओ है एक, जो कि यहाँ पे एक कोई पी है, ठीक है, यहाँ पे एक क्यू बिंदु है, ठीक। तो वो देखिए एक रेखा पी ओ क्यू का मान दिया गया है, ओ क्यू का मान 12 जो कि है त्रिज्या आपको इसका 5 दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो कि इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें आपको लगाना सेल्फ प्रेम में लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ कर्ण है, कर्ण आपका दिया गया है, तो जो कि यहाँ पे आ रही है, तो इसको आधार निकाल देते हैं, तो आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर कर्ण आपका 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर माइनस में लंब आपका 5 का स्क्वायर, 12 का 144 माइनस में 25 बराबर 119, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह को सॉल्व करना था, ठीक ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप क्वेश्चन नंबर जो किया 25 की ओर, करा कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का ऐसे पूरा वृत्त है क्या, तो पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध हो गया, तो अर्ध मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो कि वृत्त वाले फॉर्मूला याद कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, आपका जो कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो किया है अब यहाँ पे 26, करा कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री हो, तो निम्न में से, मान कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए किसमें सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे 2 है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 180 है, ये भी 180, ये वाला होगा, देखिए आपका यहाँ कट जाएगा 360 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थीटा के बदले में यहाँ पी दिया गया, ठीक है, थीटा का मान क्या है, यहाँ पी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो किया, एक घनाभ की माप दिया गया है, ठीक है, एक घनाभ को दिया गया, ठीक है, एक घनाभ जैसे कि यहाँ पे एक घनाभ बनाइए, यहाँ पे एक घनाभ है कोई, ओके, एक घनाभ दिया गया है, करेंगे एक 6 सेंटीमीटर का है, इसका 8 है और ये 24 दिया गया, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ये पूरा का मान, ठीक है, पूरा का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी घनाभ का विकर्ण, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, जो कि है इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि डी बराबर जो कि है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए एल का मान दिया गया, एल का मान देखिए आपका जो कि है, इसको मान लीजिए एल बराबर बी बराबर इसको एच बराबर मान लीजिए, ठीक है, ठीक। तो एल का मान 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर, बी का मान आपका 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर, एच का मान आपका 24 दिया गया है, ओके, 36 8 64 और 24 का होता है आपका 576 होता है, ठीक है, इसको जोड़िए तो 6 12 12 12 और 6 4, 6 12 और 4 आपका 16 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 6 जो किया है 14 14 और 3 17, ठीक है, 1 हासिल 1 आपका जो किया है 5 6 600 आपका 76 हो गया, कितना आ गया 676, 676 का आपका जो कि वर्गमूल जो कि आपका होता है, हाँ 676 का जो कि 16 26 क्या होता है, इसका 26 होता है, ओके, इसका क्या होता है 26 होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो 676 का वर्गमूल कितना होता है, आपका जो कि 26 होता है, इसको 26 कर देना था, यानी इसमें निकालने क्या तरीका है, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। भाई हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, कि वर्ग अंतराल एवं संचयी परम्परता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं, कोई जैसे एक वर्ग आपका जो किया क्या है, जो कि वर्ग अंतराल है, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए ये वर्ग अंतराल हो गया, ये
ठीक है, या फिर क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो हम लोग जो ग्राफ जो खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो कि एक आर्क जो खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो कि है इसको बोलते हैं तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तोरण बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तोरण बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि है, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो कि है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अंतिम क्वेश्चन है, देखिए यदि पीई बराबर दिया गया तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। ई नहीं होने की प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का पीई बराबर 1 माइनस पी नहीं होने की प्रायिकता, वही ना, इट इज। तो नहीं होने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है, ठीक है। इसका प्रायिकता दिया गया, इसका वैल्यू इसमें दे दिया गया है 0.05, नहीं मतलब कि इसको एक काम करते हैं इसको इस पर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये भी माइनस जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक पी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.95 यानी माइनस होगा, बराबर माइनस पी ई नहीं, ठीक। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो पी ई नहीं का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका मान जो कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो कि है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग के बीच जो कि है क्वेश्चन को जो कि बना दिए, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। और अगर साथी अगर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जो कि हम लोग का मेन मोटिव है बोर्ड एग्जाम 2000 जो कि है 25 को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग जो कि है अपने साथी को शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा आज का सेशन कैसा लगा, मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। ओके तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान, अपने ख्याल रखिए, ओके बाय।